I think they are phenomenal and I'm lucky to be part of this project. Ajay, we are lucky to have her on board in our first project because it's a fresh label, Desi Beats. तो मतलब we were really nervous कि मतलब पहला कोई भी आप देख लीजिए historically पहला गाना कोई भी label पे आता है ना तो मतलब बहुत कम labels हैं कि 1 million cross हो पाता है या you know maybe 100,000 is also big achievement but one day 1.4 million all hats off to us. It's always together. बहुत खुश हैं and गाने की success में बहुत बड़ा contribution रश्मि का है. रश्मि के इतने ज़्यादा fans हैं कि मैंने भी आपसे पहले भी किसी को बता रहा था कि एवरी डे मोर देन 1000 मैसेजेस भी रिसीव ओनली फॉर द रश्मि के गाना आ रहा है, हम गाने को ये करेंगे. इनके जो फैंस हैं जितना एफर्ट ये करते हैं आई थिंक शायद उससे 10 गुना ज़्यादा इनके फैन उस गाने को आगे बढ़ाने का एफर्ट करें. तो वी फील वेरी एक्साइटेड कि यार मतलब रश्मि की वजह से गाने को इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिल रहा है. आप उसमें कॉमेंट्स पढ़ेंगे तो इनकी फ़ैन जो जितने भी इनके फैन हैं इनके लिए मतलब दे एडोर हर एंड दे आर क्रेजी अबाउट हर वर्क. गाना कम वेरी नेचुरली टू मी मतलब आई एम अ बॉर्न सिंगर बेसिकली बट आई एम नॉट एन एक्टर बट बिकॉज शी वाज देयर तो मैं कर ली सब आई थिंक इनका जॉब एकदम ईजीएस्ट था बट ही वाज वेरी मच क्लियर कि उनको विजुअली क्या चाहिए एंड ही वाज वेरी हेल्प एंड स्टफ. शूट पे बैठते थे तो ऐसे दिखता था कि उनकी एक इमेजिनेशन है और वो उस चीज़ को वो चाहते थे कि वो बरकरार रहे. बेस्ट मोमेंट आई थिंक सो हम एक जगह शूट कर रहे थे एंड वो हवेली थी. हम मथुरा वृंदावन में शूट कर रहे थे वही आई थिंक सो बेस्ट था वहाँ का एम्बियंस एंड जिनके साथ शूट कर रही थी लोग इतने अच्छे थे तो वजह से मोमेंट this entire song is only very special to me क्योंकि तो गाना बहुत प्यारा है प्लस संजीव जी इज़ अ वेरी वेल नोन म्यूज़िक कंपोज़र एंड अजय जी मस्त मौला कभी आते हैं एकदम मस्त गाना और देते हैं हिट करा के फिर चले जाते हैं तो मैंने वाला अभी आई थिंक सो मेरा नाम जुड़ जाएगा इस पर भी. सो या आई एम लकी एंड दिस सॉन्ग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज ये गाने का एक अलग ही रिदम है, एक अलग फील देता है आपको, आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है. आप नोटिस करना इस गाने में ना गायकी कम है एंड बोलना ज़्यादा है और आज के टाइम में आप ऐसा गाना बनाओ ना जो बड़ा इजी हम हो या ऐसा लगे आप किसी को बात कर रहे हो तो नई जनरेशन को वो गाना गाने में मज़ा आता है. आप बहुत टफ करना तो लोग बड़े कन्फ्यूज होते हैं. स्कूल का कोई भी बच्चा है छोटा बच्चा भी बड़ी ईजिली इसको हम कर पाएगा. जो आप बहुत ईजिली गा पाते हो वो गाने में मज़ा आता है आपको. तो वी ट्राई टू मेक वेरी इजी सॉन्ग्स पीपल रिलेट एंड कनेक्ट टू वेरी स्मूथली लाइक स्विफ्टली वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा रश्मि आपके मॉम ने ये सॉन्ग देख लिया उनका क्या रिएक्शन था? मॉम इज लाइक उन्हें पहले ये गाना जब मैंने दिखाया उनको मैंने गाना सुनाया था तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था. जब वीडियो आया मैंने वीडियो दिखाया मम्मी बोल रही है तो नाच क्यों रही है हर जगह तो मैंने उनको दिखाया. लास्ट में जब उन्होंने वो मेरे ग्रेव पे वो फूल रखते हुए इनको देखा सो शी वेंट वेरी इमोशनल. बोलते ऐसे क्यों गाना बनाया तुझे क्यों मारा? मैंने बोला अच्छा दैट इज़ द स्टोरी बट शी वाज लाइक शी वेंट ऑफ कोर्स नो मदर वांट्स दैट बट शी सेड दैट द सॉन्ग इज़ ब्यूटिफुल द स्टोरी इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड. जैसा गाना है वैसी स्टोरी है सो आई थिंक पीपल विल लव इट. ये हिट है. मैंने बोला अच्छा भगवान सुन लें इनकी. अपकमिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. आई थिंक ये लोग तो ये बहुत कुछ कर रहे हैं. ये जोड़ी कोई आसान और मामूली नहीं है. दे आर कमिंग अप विद बिग थिंग्स एंड आई एम रियली हैप्पी दैट कि ये जो कातिलाना है वो विद इन 48 आवर्स इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू कोलैबोरेट विद देम अगेन एंड जस्ट वांट टू से 100 millions हमको क्रॉस करने हैं. सो कीप गिविंग योर लव लाइक दैट. Like, share, subscribe Desi Beats and tell us how did you like it and tell other people also. Thank you so much guys. I hope कि आपका song और भी ज़्यादा super hit हो. Thank you.